इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने एयरटेल सिम के अंदर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को कैसे देख सकते हैं। देखिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रहती है, जो हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ वो हिस्ट्री है रिचार्ज की हिस्ट्री। जैसे आप 35 रुपये का रिचार्ज कर रहे हैं या 10 रुपये का, पहली बार 10 का होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप जौन सा भी पैक डलवा रहे हैं, आपने कब कौन सा डेटा पैक डलवाया है उसकी हिस्ट्री को कैसे हम देख सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ ईजिली प्रोसेस में एंड्रॉयड मोबाइल में। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, इसके लिए हमें हमारा जो इसमें ज़रूरत पड़ेगी वो एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उसमें, जिसका नाम है यहाँ पर हमारा माई एयरटेल ऐप। प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है और यहाँ पर इस तरीके से आपको मिल जाएगी एयरटेल थैंक्स। तो इस एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर आपका जितना भी वैलिडिटी है, डेटा बचा हुआ है, अनलिमिटेड कॉल्स है, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाती है। अब यहाँ पर हमें देखना है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो यहाँ पर हमें मोर पे जाना होगा। मोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको माई एयरटेल में जाना होगा, और माई एयरटेल में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाई दी जाती है, जो कि हमारी सबसे पहले हुई है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिचार्ज हुआ हुआ है, रिचार्ज 248 रुपये का हुआ है, और ये रिचार्ज नहीं है, FRP थी जिसको हम शुरू में करवाते हैं तो उसके बेसिस पर ही हमारा सिम स्टार्ट होता है, 50-60 रुपये उसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी रिचार्ज की हिस्ट्री दिख जाती है। बाकी अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपनी रिचार्ज हिस्ट्री देख सकते हैं।